समय था सुबह के 8:05, तारीख थी 18 मई 1974। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक फोन कॉल के इंतजार में थी, तभी उनके फोन की घंटी बजी और फोन उठाते ही उधर से आवाज आई, द बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड। इस मैसेज का मतलब साफ था कि भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। हम बात कर रहे हैं 1974 में हुए भारत के पहले न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, जिसके बाद भारत ने न्यूक्लियर क्लब में 6वें देश के रूप में अपनी जगह बना ली थी। भारत को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के पीछे कई देश थे, इसलिए इस प्रोजेक्ट की कभी घोषणा औपचारिक रूप से नहीं की गई। केवल 78 लोग ही इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते थे। इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर लंबे समय से एक पूरी टीम काम कर रही थी। 75 वैज्ञानिक और इंजीनियर्स की टीम ने 1967 से लेकर 1974 तक 7 साल जमकर मेहनत की। इस प्रोजेक्ट की कमान बार्क के निदेशक डॉक्टर राजा रमन्ना के हाथों में थी। रमन्ना की टीम में तब एपीजे अब्दुल कलाम भी थे और बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह 8:05 पर सभी सीक्रेट एजेंसीज की आंखों में धूल झोंकते हुए भारत ने किया अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट, जो सफल रहा। इस टेस्ट के बाद भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पहला नॉन परमानेंट मेंबर बना, जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया था।